नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ चेतन पाठक। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 45 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटें और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद परेशान है और तारीख बदलने की मांग भी अब कर रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव पर बवाल हो गया है। पहले तो चुनाव तारीखों को लेकर बीजेपी खुश थी, लेकिन अचानक यूटर्न लेते हुए अब चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और कहा गया कि 13 नवंबर की तारीख को हटाकर 20 नवंबर कर दी जाए। और यह पत्र बीजेपी और रालोद ने विधानसभा उपचुनाव की मतदान तिथि बदलने की मांग करते हुए लिखा है। खबरों की माने तो दोनों दलों के प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और एक ज्ञापन दिया और कहा कि 13 के बजाय 20 नवंबर को मतदान कराया जाए, क्योंकि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। पत्र में बीजेपी ने कहा कि इस अवसर पर कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, प्रयागराज में मेला लगेगा और लोग मेला देखने और स्नान करने के लिए 3 से 4 दिन पहले चले जाते हैं। अगर 13 नवंबर को मतदान कराया गया तो बड़ी संख्या में वोटर मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, इसलिए वोटिंग 20 नवंबर को कराई जाए, ये सही रहेगा। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, संजय राय, राम प्रताप सिंह चौहान और संपर्क विभाग के संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी शामिल रहे। इसके साथ ही साथ रालोद के प्रतिनिधि मंडल में पार्टी प्रवक्ता अनिल दुबे, महासचिव मनोज सिंह चौहान, सचिव प्रमोद शुक्ला और सह मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी शामिल थे। जानकारी देते चलें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ 9 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव रोक दिया गया है और इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि इस सीट पर हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए इस विधानसभा सीट पर चुनाव अभी नहीं हो सकता। मामला 2022 विधानसभा चुनाव के बाद का है। समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल हुई और इसी के चलते चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहे हैं और जहां हो रहा है उसके लिए बीजेपी तारीख बदल रही है। एक दिलचस्प बात ये भी है, उसको भी आप जानिए कि साल 2022 विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर एसपी नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को 13,000 से ज्यादा मतों से हराया था और इसी को लेकर बीजेपी उम्मीदवार कोर्ट गए, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिला जब बीजेपी नेता ने याचिका वापस लेने का ऐलान कर दिया और चुनाव आयोग से अपील की कि मिल्कीपुर पर चुनाव हो। लेकिन हम आपको जानकारी देते चलें कि लखनऊ कोर्ट में सुनवाई तो हुई लेकिन इसकी तारीख फिर बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई है। इससे अब साफ हो गया कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा और बीजेपी की सारे अरमान आंसुओं में बह गए हैं। अब देखना होगा कि आगे चुनाव आयोग बीजेपी की बात मानती है या फिर नहीं।